गुड मॉर्निंग क्लास, मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? सीधा सा क्वेश्चन किया जाता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मतलब आपको ये चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऑड को फाइंड आउट करना है, यानी वो इन बाकी तीन से अलग होगा। तीन किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, जबकि कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उनसे बाहर का होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन। हैंड, लेग, लंग्स, ईयर, हाथ, पैर, फेफड़ा और कान, क्या अलग लग रहा है? भी हाथ, पैर और कान ये तो शरीर के बाहर के अंग है, जबकि फेफड़ा शरीर के अंदर। मतलब वो इन ग्रुप से अलग हो गया, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, ये आपका ऑड है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्पैरो, रैट, ऑस्ट्रिच और पैरट। देखिए, देखते ही पता चल गया स्पैरो गौरैया, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग और पैरट तोता, ये तीनों पक्षी हैं, बर्ड। क्या चूहा पक्षी है? नहीं, तो चूहा इनसे अलग हो गया, रैट बर्ड में नहीं आता। आर्टरीज, वेन्स, हैंड एंड बोन्स, अगर आप ध्यान से देखें तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाथ शरीर के बाहर का पार्ट है, हाथ ये रहे। आर्टरीज धमनियां जिसमें खून बहता है, वेन्स सिराएं इसमें भी ब्लड आपका बहता है लेकिन CO2 वाला, तो ये CO2 वाला ब्लड फ्लो करता है। धमनियों में कैसा करता है? O2 वाला। और बोन्स हड्डी होती है, तो क्लास बहुत सिंपल है, धमनियां सिराएं और हड्डी शरीर के अंदर के पार्ट हैं, जबकि हाथ शरीर के बाहर का पार्ट है। तो कौन अलग हो गया? हैंड बाहर हो गया, ऑड हो गया। कैटारैक्ट, रिकेट्स, आयरन, ग्वाइटर, कैटारैक्ट, रिकेट और ग्वाइटर तीनों बीमारियां हैं, जबकि आयरन बीमारी नहीं है, आयरन धातु है। कैटारैक्ट मोतियाबिंद को कहते हैं, आंखों का रोग मोतियाबिंद। रिकेट्स सूखा रोग, विटामिन डी की कमी। ग्वाइटर घेंघा रोग, आयोडीन की कमी। तो बाकी तीन ऑप्शन रोग हैं, जबकि आयरन मेटल है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से भी लिखा जाता है, रबर से मिटाया जाता है, स्केच पेन से लिखा जाता है, ये तीनों एक तरह से रिलेटेड है, रबर आपका आंसर होगा, ये ऑड है। आगे बढ़ते हैं, नंबर वाला देखते हैं। क्लास 4:21, आपको कुछ ऐसा करना है कि तीन एक ही तरह से रिलेटेड होंगे, कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उससे बाहर का होगा। 4:21 अगर इसको देखा जाए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 कितना आया? क्लास 4 का स्क्वायर प्लस 5, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 16 और 5 21, 7 और 54, 7 का स्क्वायर प्लस 5 54, 6 और 41, 6 का स्क्वायर प्लस 5 कितना? 41। क्या 3 का स्क्वायर करने पर और 5 ही ऐड हो रहा है? नहीं, 3 3 9 और 7 जब ऐड कर रहा है तब 16 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन अलग है, तो ये ऑड हो गया, ये फॉलो नहीं कर रहा, सिंपल। ओके क्लास, ठीक है, ये वाला देखते हैं। 7 और 11 अगर हम लोग देखें, 7 और 11 में क्या चीज है? तो 7 प्लस 4 कितना हुआ? 11। 12 और 4 कितना हुआ? 16। 14 और प्लस 4 कितना हुआ? 18। तो 9 और प्लस 6 कितना हुआ? 15। हो गई गड़बड़, सब में 4 ऐड हो रहा है, यहां पे 6 ऐड हो रहा है, ये हो गया ऑड, अलग हो गया क्लास। चलिए 8वीं की देखते हैं। 76 42 कैसे आया होगा? 7 × 6 42 हो गया, 9 × 2 कितना आना चाहिए? 18, लेकिन यहां क्या आ रहा है? 20, ये गलत हो गया। फिर तीसरा क्या है? 7 × 3 कितना हो रहा है क्लास? 21, और 9 × 3 27, यानी हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया, 9 × 2 = 18 आपका, तो ये ऑड हो गया। 23 37 41 51 51 आंसर है, देखते ही पता चल रहा है अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है,
बाकी सारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य उसको कहते हैं जो केवल एक या अपने नंबर से ही डिवाइड होता है, जबकि 51 आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 17 से भी हो सकता है। तो 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बाहर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने देखा ये नंबर बेस्ड थे सब क्लास। अब आ गया अल्फाबेट बेस्ड। तो अल्फाबेट बेस्ड में कैसे सॉल्व करना है उसकी बात हम लोग करते हैं। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, आपको विपरीत पता होना चाहिए। विपरीत देखिए क्लास कैसे पता किया जाता है। जैसे अगर हम लोग अल्फाबेट में विपरीत देखें तो कोई भी दो लेटर का सम 27 होना चाहिए, विपरीत लेटर का सम 27 होना चाहिए तभी वो विपरीत होंगे। कैसे? 1 और जेड का कितना हुआ? 26। तो 26 और 1 27। अगर बी का पूछा गया तो बी का क्या होता है? वाई, क्योंकि बी का 2, वाई का 25, तो 25 और 2 27। अगर हम सी का देखें तो सी प्लस एक्स, सी का 3, एक्स का 24, कितना हुआ? 27। डी का देखें तो ड्यू 4 और प्लस 23, कितना होगा? 27। सिंपल सी बात है, अगर हमें विपरीत पता करना है तो ये आपको याद रहना चाहिए, विपरीत से दोनों का सम कितना होना चाहिए? 27। दूसरा, प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू के लिए बहुत सिंपल सा आपको बताया था, ई ज्योति, आपको यह चीज याद होनी चाहिए। ई ज्योति, तो ई का कितना होता है? 5, जे का 10, 15, 20, 25। तो 5, 10, 15, 20, 25, ये भी आपको याद रहे, आसपास का आप निकाल सकते हैं, प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक बार जरूर चेक कर लेते हैं कि कहीं वो विपरीत तो नहीं दिए गए हैं। विपरीत चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास अगर डायरेक्ट हम इसमें बताएं आपको तो देखिएगा जरा, कोई ना कोई तो विपरीत पे होगा। जैसे अब 4 हैं, इन 4 में से कौन सा ऑड होगा? अगर हम ये देखें 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर देखिएगा जरा, एल ओ एच एस आई आर और सी वाई कैसे रिलेटेड है ये? ठीक है, फिर 14 वाला भी कहीं ना कहीं ये विपरीत वाला आपको दिख रहा होगा। कैसे? एल का कितना होता है? 12। ओ कितना होता है? 15। 12 15 27। एच का कितना होता है? 8 19 19 8 27। आई का कितना होता है? 9 और 18 18 9 27। यहां पे क्या होता है? 3 और वाई का 25 25 3 28। ये अलग होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है, क्योंकि बाकी सब विपरीत है, ये विपरीत नहीं है। अच्छा, 14 वाले में क्या था? आई का 9 है, ये 18 9 27 है, ये कितना है? 11। पी कितना है? 16 27 होगा। जी कितना हुआ? 7। टी 20 27 होगा। ओ 15 और वी 22। क्या ये 27 है क्लास? नहीं। क्या ये है? नहीं। इसका मतलब आपका आंसर है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं ये विपरीत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओ का विपरीत क्या होता है? ओ का विपरीत एल होता है, ओ का विपरीत एल, और ई का विपरीत क्या होता है? वी, ये होते हैं। तो एल के साथ ओ होना चाहिए और ई के साथ वी होना चाहिए, ये अपोजिट होते हैं। जबकि यहां पे इसने क्या किया? ओ वी कर दिया, ये गलत हो गया। तो ध्यान रखना है विपरीत के लिए दोनों का सम आपका 27 होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब यहां पर कि ये क्या क्वेश्चन है। एक्स एस एन आई, अब देखिएगा जरा, एक्स एस एन आई, एक्स की वैल्यू 24, एस 19, 14 और 9। कितना पीछे जा रहे हैं हम लोग? 24 और 19 हो रहा है, तो 24 से 19 कितना पीछे गए? -5। 19 से -5 14, यहां से -5 14, यानी -5 हो रहा है। ठीक है, ओके। ओ जे ई वाई, ओ जे ई वाई, ओ कितना है? 15 10 5 25। तो 15 से 10 अगर गए तो -5 हो गया, इससे भी -5 हो गया, लेकिन क्या ये -5 हुआ? नहीं, ये -6 हो गया। ई से जब 6 पीछे जाएंगे तब हमें वाई मिलेगा। कैसे? ई से एक पीछे जाइए, क्या? डी,
डी से पीछे सी, सी से पीछे कौन आएगा बी, बी से पीछे कौन आएगा ए, ए से पीछे कौन आएगा जेड और फिर वाई। आपको ई से वाई जाना है तो कितना पीछे जाना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः, आपको माइनस सिक्स छः पीछे जाना होगा तब ये मिलेगा। इसका मतलब ये गलत हो गया, यही ऑप्शन है आपका आंसर। क्लियर, क्योंकि माइनस फाइव का रिलेशन चलना चाहिए था, आगे भी चेक कर सकते हैं बट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एल क्यू वी ए अगर हम अब अगला वाला देखें तो नेक्स्ट जो आपका एल क्यू वी ए है, एल क्यू वी ए, एल का कितना 12, क्यू का 17, वी का 22 और 1, तो 12 7 17, तो 12 5 17 5 और 22 से 1, 22 पास 27 प्लस 5, वी के 5 बाद ए आएगा, कैसे V, W, X, Y, Z, A, V से कहाँ जाना है A पर, तो 1 2 3 4 5 प्लस 5 करके हम लोग A तक पहुंच जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब चेक करते हैं, ये तो हो गया A F K Q, A कितना है 1 6 11 17, 1 से हमने 5 ऐड किया, 5 इधर ऐड हुआ, 6 ऐड हो गया, गलत हो गया आंसर, 11 6 17, यही ऑप्शन है AFQW। ओके क्लास, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हमारा तो ये पता चल गया एलो, ये तो विपरीत हो ही गया था अपना, ठीक है, अब ये भी विपरीत हो गया, इसका मतलब ये डी ऑप्शन था, इसका क्या था डी था। 13वां नंबर क्वेश्चन, तो 13वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आई एफ सी, आई कितना 9, एफ 6 और 3, 9 से 6 गए माइनस 3, 6 से गए माइनस थ्री हो रहा है, एल आई एफ 12 9 6 कितना होगा माइनस थ्री, ये भी सही है, एस पी एम 19 16 13 माइनस थ्री, ओके, जी जेड जी 7 4 एंड 27, तो ऑब्वियस बात है ये गलत होगा क्योंकि बाकी तीन सही हैं, तो ये माइनस फोर जाना पड़ेगा हमें, ये ऑप्शन आपका ऑड होगा इसमें। तो क्लास बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन, बहुत इजी, कम समय में हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश होगी कि एटलीस्ट जो अल्फाबेट वाला पार्ट है आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, प्लेस वैल्यू विपरीत फाइंड आउट करना रटा होना चाहिए क्योंकि इस पर कोडिंग डिकोडिंग भी बन जाएगा, एनालॉजी भी बन जाएगी, अल्फाबेटिकल सीरीज बन जाएगा, क्लासिफिकेशन बन जाएगा, मतलब अगर आप केवल अल्फाबेट रट लेते हैं तो आपके 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।